अल्टीट्यूड सॉइल जो कि नॉर्मली होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, सब कुछ चलते हैं, सब कुछ होता है। सॉइल अल्टीट्यूड सॉइल जिसमें बिल्डिंग सब बहुत कुछ बना होता है। हम लोग तो जो है दूसरी लेयर जो है जरम पत्थर है, जरम पत्थर, बस जरम पत्थर। और बहुत जरम होते हैं, वो बहुत जरम होते हैं क्योंकि वो क्योंकि उसी तीसरी लेयर में लावा है। और दूसरे इसलिए जो है दूसरे पत्थर जो है उसमें ला उसमें पत्थर ला पत्थर बहुत जरम होते हैं। हम लोग होती चौथी लेयर जो मतलब चौथी नहीं तीसरी लेयर जिसमें पूरा लावा से भर जाता है, पूरा लावा है, मतलब जाए ना पूरा लावा ही लावा देते रहा ठीक है। बहुत जरम होता है लावा, पता है क्या होती है लावा तो पता नहीं थी, जरूरत नहीं है। हाँ लावा भरा होता है अभी। हम लोग का छोटा लेयर जो थी पूरे पूरा चोर है वो पूरा। और क्यों तो नहीं पता क्या है, अच्छा हीट मेटा मतलब वो जैसे लावा टाइप लच्ची होता है ना, वैसे जो आयरन है वो पूरा मेल्ट होते है, वो चोर में रूप से जैसे हो गया, इसलिए जो थर्ड लेयर है वो पूरा लावा से है। और चोर उस तो और वो लिचेट आयरन जो रह जाता है इस दुनिया में चोर तो सबसे नीचे है बीच में। सन जो सबसे गर्म प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, प्लैनेट नहीं येलो दाफ है, दाफ दाफ प्लैनेट है। वीडियो आई थी पार्ट पार्ट थ्री है उसमें, और देख लेना पार्ट वन। और ये येलो दाफ होता है और सन और सबसे गर्म भी होता है, बहुत गर्म होता है। और साथ में अल्ट में वो क्या अल्ट्रासाउंड में भी होने में भी मदद चलता है, और रात होती है तब मून में देखने के लिए भी मदद चलता है। मंसूरी तो दूसरा प्लैनेट है और साथ में सन समय बहुत बाद होता है, इसलिए थोड़ा बहुत गर्म है। इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत गर्म है, बहुत कुछ है इस जमीन में भी। और साथ में इसके सरफेस भी बहुत है, इसका रात में हो जाता है, इसका वो टेम्परेचर मतलब माइनस में रह जाता है, 420 माइनस सेल्सियस 420 सेल्सियस में रह जाता है, सुबह में 820 सेल्सियस में सेल्सियस मतलब गर्म हो जाता है। वीनस जो थी थर्ड प्लैनेट है सन से दूरी, और ये बहुत गर्म होता है, हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा। इसमें हाइड्रोजन गैस भी बहुत होती है, हीलियम भी होती है, लेकिन गैस जान थी बस जुपिटर की तरह सैटर्न की तरह। और साथ साथ में ये होती है जो जिन्होंने अभी दिखाई है जो साइड में वीनस से है ना फोटो, उस पर ऊपर बादल होते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं, और इधर इसमें बादल। अर्थ हम लोग तो रहने वाला प्लैनेट इसमें हम लोग रहते हैं। वो अर्थ लेकिन हम लोग बहुत प्लास्टिक वास्टिक फैला जाते हैं, जो धीरे धीरे अर्थ भी खत्म हो रहा है। हजारों साल तक ना अर्थ खत्म होना वो है ही, खत्म होना तो है ही है अल्ट में, जिसमें हम लोग रहते हैं वो खत्म हो जाएगा, जो हजारों सालों से नहीं है। तो प्लास्टिक की संभावना दुनिया में बहुत जाए, जो दुनिया खराब हो रही है और धीरे धीरे वो मलते जा रहे हैं फिर समंदर में। सॉरी ये वीडियो मुझे इतने ज़्यादा वो नहीं की थी ना, ज़्यादा बड़ी नहीं की थी तो इसलिए पूरी वीडियो बंद हो रही। समुद्र में वो प्लास्टिक डालते रहो, जीव मलते रह रहे समुद्र से, और साथ में वो हम लोग था।
मार्स, जिसमें हम लोग फ्यूचर में जाने वाले हैं। इलॉन मस्क ने बोला है फ्यूचर में जाएंगे, तो हम लोग फ्यूचर में तो जा सकते हैं वो मार्स में, ठीक है। और मार्स में मून की भी सरफेस है, वो तीनों एक वीडियो बना रहा, उसमें भी डाले रहा, ठीक है। और साथ साथ में तीनों के पास पास के बारे में भी यही था। जुपिटर, जो कि एक गैस जायंट है, ये सब और साथ साथ में ये सब इलॉन मस्क से ही बनाया है, बताया है, ठीक है। और ये और जुपिटर एक बहुत बहुत बड़ा गैस जायंट है, वो भी 6,226 वो है ये जुपिटर इसका, ठीक है, पूरा राउंड रहने में, ठीक है। और जी नहीं नहीं सैटर्न, जो कि ये एक जुपिटर की तरह ही गैस जायंट है, और इसका साइज है 228,228 साइज है इसका, ठीक है। और ये भी एक गैस जायंट है जुपिटर की तरह, और जिन्होंने सैटर्न के बारे में इतना ही बता रहा, जिन्होंने इतनी लंबी वीडियो जो चीज़ है, जैसे अभी 7.9 सैटर्न शो है, और तीनों से 39.9 यूरेनस, जो कि एक आइस जायंट है, आइस जायंट जैसे गैस जायंट था वैसे आइस जायंट है, ये भी आइस जायंट, और ये भी एक आईसी, इसमें आईसी आईसे इसका टेम्परेचर तो पता नहीं कितना नीचे होता है, जिन्होंने तो नहीं पता है। और ये भी एक आइस जायंट है, आइस जायंट। और नेपच्यून, जो कि आइस जायंट है, और नेपच्यून भी आइस जायंट है, और जिन्होंने तो इतना ही पता है। और तो फिर से गलती हो गई, 822 भी सैटर्न शो है, और क्यों तो थी मिल्टी वे, जिसमें हम लोग तो सोलर सिस्टम है, और हरारो मिल्टी वे भी है, और ऐसा में स्टार भी है, और इन मिल्टी वे में प्लैनेट भी आ रही वो जा रही, और क्यों तो बस मिल्टी वे पार्ट 1 वो है जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में तीनों ने प्लैनेट तो दिखाया है, वो है पार्ट 1, तो जरूर से जाते देख लेना, ठीक है। और फिर अब पार्ट 3 में तीनों नंबर और शेप्स के बारे में चलेगा, तो वो भी देख लेना, वो भी जल्दी आ जाएगी तो देख लेना।